एक बात का ख्याल रहे कि मकाफाते अमल का सामना ना करना पड़ जाए। इंसान को ना अच्छे की उम्मीद रखनी चाहिए, और जाते जाते आपको चाहिए कि आप मुझे कुछ अच्छी दुआएं देके जाएं। जैसी करनी वैसी भरनी, ना माने तो करके दिखाओ। जन्नत भी है जहन्नुम भी, ना माने तो मर के दिखाओ। माँ के सामने तो जबान ऐसी हो जाती है जैसे मुंह में है ही नहीं। कभी तो मेरी हिमायत में कुछ बात किया करें। जैन, जैन खाना खाया तुमने? जी अम्मी, पिज्जा खाया। मैं मजे का पिज्जा था कि मजा ही आ गया। कहाँ से आया पिज्जा? वो शहजादी आंटी ने ऑर्डर किया था, मैंने उन्हें नहीं कहा था, उन्होंने खुद ऑर्डर कर लिया। पिज्जा आया तो बाबा कहाँ थे? बाबा तो घर ही नहीं आए, दादी कह रही थी कहीं काम से गए शायद। अभी बताती हूँ। बात सुनो, मेरे बेटे से ना जरा दूर ही रहो। क्या हुआ आपी? मैंने कुछ गलत कर दिया क्या? ज्यादा मासूम और नेक बनने की कोशिश भी मत करना मेरे आगे। अच्छी तरह जानती हूँ तुम्हें, कान खोल कर मेरी बात सुनो। मेरे बेटे को काबू में करने की कोशिश भी मत करना, आई समझ? बच्चे तो प्यार के भूखे होते हैं, जहां से उन्हें प्यार मिलेगा वो वहीं के हो जाएंगे। और बाय द वे, आप हर वक्त मेरे बारे में उल्टा सीधा क्यों सोचती रहती हैं? इतने प्यार से मैंने पिज्जा मंगवाया था, एक स्लाइस बचा है, खाएंगी आप? एक बात ध्यान से सुन, मेरे शौहर और बच्चे से दूर ही रहना तुम्हारे हक में बेहतर होगा। सॉरी, आइंदा ख्याल रखूंगी, ठीक है? कि तुम मुझे आपी किस रिश्ते में कह रही हो? मुझे बहन बनाओगी ना, तुम्हारी सेहत के लिए अच्छा नहीं होगा। वैसे अकबर तो तुम्हारे बड़े भाई हैं, उस रिश्ते से तुम्हें तुम्हारी भाभी हुई। मुझे भाभी समझोगी ना तो तुम्हारे हक में बेहतर होगा, आई समझ? आइंदा ख्याल रखूंगी। ख्याल रखोगी, तुम्हारे हक में ही बेहतरी है, वरना जानती नहीं हो मुझे। भाभी, जितना करना है ना तबस्सुम अभी कर लो, कुछ ही दिन है तुम्हारे पास। इस घर से तुम्हें और तुम्हारी अकड़ समेत ना निकाला ना तो मेरा नाम भी शहजादी नहीं। सारा मूड खराब कर दिया है।